वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट। इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती। फिर पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, यहां पर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो सुनिए। एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की यात्रा करती है और उसकी चाल को आप मान सकते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो कुछ टाइम लगेगा उसमें। फिर दोबारा कहा जा रहा है कि यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कर दिया जाए तो उस यात्रा में एक घंटा कम समय लगता है उसको। तो मान लीजिए जब पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था स्पीड उसका, उस समय वो t1 टाइम लेता, और जब आपका स्पीड बढ़ गया तो अब जो टाइम लगेगा उसको आप t2 मान सकते हैं बच्चों। और t1 का जो वैल्यू है वो t2 से एक अधिक है, या आप कह सकते हैं कि t2 इक्वल टू t1-1 है। दोनों ठीक होगा बच्चों। तो यहां पर आप वेरिएबल किसको मानेंगे? चाल को। क्यों? क्योंकि आपसे चाल ही मांगा गया है। तो आप लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप समय बराबर दूरी बटे चाल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि दो दो बार समय का जिक्र है कि जब चाल इतना था तो समय कुछ लग रहा होगा, पुनः जब चाल बढ़ा रहे हैं तब उसकी उसमें जो समय है ट्रेवलिंग टाइम वो कम हो जा रहा है। कितना? तो एक घंटा। चलिए देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब समय बराबर दूरी बटे चाल से t1 इक्वल टू कितना दूरी है बच्चों? तो 360। 300 कितना है? 60 है बच्चों। तो 360 बटे चाल को आपने कितना मान रखा है? x। इसको आप इक्वेशन 1 बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। पुनः जब चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब समय t2 इक्वल टू 360 बटे x प्लस 5। तो ये हो गया आपका दूसरा समय। अब प्रश्नानुसार हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कि यह जो टाइम है वो इस टाइम से एक घंटा कम लगता है। यानी कि आप लिख सकते हैं t2 इक्वल टू t1-1, ठीक है, या t1 इक्वल टू t2+1, दोनों सही है बच्चों। जो मैंने पहले कहा वो भी सही है और अभी जो कह रहा हूं वह भी सही है। तो t1 इक्वल टू t2+1, आप t2 को इधर ले आइए बच्चों, t1-t2=1। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब t1 और t2 का वैल्यू आप पुट करेंगे बच्चों। t1 का कितना है? 360 बाय एक्स माइनस t2 का वैल्यू है 360 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन रेडी कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए x इंटू एक्स प्लस 5 इसका हो गया, यहां पर हम लिख देते हैं
एलसीएम, इससे ये गया ये बचा, ये इधर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 360 इंटू एक्स प्लस फाइव, 360x, चलो एक काम करते हैं दो बार में करते हैं इसको, इससे इसको भाग, इससे यह भाग जाएगा तो ये बचेगा, x इंटू 360 आपका हो रहा है 360x इक्वल टू 1। देखिए बच्चों इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये होता है 360x प्लस 1800 माइनस 360x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ओके, अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे क्योंकि उसमें जल्दी से सॉल्व हो जाता है बच्चों, स्पेस कम बचा है, अब इसी में से हमें सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, अब द्विघाती सूत्र से, x इक्वल टू माइनस बी, बी के प्लेस पर आपका है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, थोड़ा स्पेस ज्यादा लेना होगा नहीं तो अटेगा नहीं बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पर 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है बच्चों एंड सी का वैल्यू माइनस 1800 है। माइनस 5 प्लस माइनस, अब देखिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 18 चौक 72 100 बटे 2, एक्स का वैल्यू आपका आ गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटे 2, एक्स का आ गया 7225 का वर्गमूल स्टूडेंट होता है 85 बाय 2, माइनस 5 प्लस 85 बाय 2 और माइनस 5 माइनस 85 बाय 2, तो x का आपके सामने दो वैल्यू दिख रहा होगा, एक 85 में 5 गया 80 बाय 2 हो गया 40 और 85 5 90 में 2 बाय 2 माइनस 45। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक तो स्पीड है 40 अरे दूसरा है माइनस 45, जबकि ये दिख रहा है अगर संख्यात्मक मान देखा जाए तो 40 और 45 5 आपको ज़्यादा दिख रहा है, बट ये माइनस 45 सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका चाल निगेटिव संभव नहीं है, इसलिए हम इसको अमान्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम है बच्चों, लिखिए पहले इस जगह पर, आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए बच्चों, स्क्रीन को रोकते हुए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ जो माइनस 45 है इसको लिखिएगा, क्योंकि चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं है इसलिए x बराबर माइनस 45 अमान्य है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, x का जो पॉजिटिव वैल्यू आया है 40। अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपका ये कंप्लीट हो गया। मैंने बच्चों जो लैंग्वेज दिया उसको आप जरूर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, तो चलिए अब अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, साथ ही अपने साथ ही साथ अपने मित्रों के पास भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।